हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। और इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूएन रिपोर्ट को एनालाइज करेंगे, आईपीबीईएस की रिपोर्ट, जिसने हमको रिसेंटली बताया है कि 1 मिलियन स्पीसीज प्लांट्स और एनिमल्स की विलुप्त होने के कगार पे है। तो डिस्कस करेंगे ये रिपोर्ट क्या कह रही है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आईपीबीईएस की ये पहली रिपोर्ट है और जो बहुत सारे कन्वेंशन होते हैं डायरेक्टली यूएन से रिलेटेड, उन पर एक बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ेगा इस रिपोर्ट का। सो काफ़ी कुछ जानने को है यहाँ पे, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगेन, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं विद आर पेन ड्राइव कोर्सेज, जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं studyiq.com से, और यू कैन कॉल दीज नंबर्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। यूपीएससी परस्पेक्टिव की अगर हम बात करें तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर जीएस मेंस पेपर 3, ठीक है। तो जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, अंडर सबसेक्शन कंजर्वेशन एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। बहुत बार सवाल आते हैं कि रिसेंटली ये जो रिपोर्ट आई है यूएन की तरफ से, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इंडिया इसको किस परस्पेक्टिव से ले सकता है, और प्रिलिम्स में ये भी पूछा जाता है कि ये रिपोर्ट किसने निकाली है, इस रिपोर्ट में लिखा क्या है। तो यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट इट अगर आप एक मार्क यहाँ पर सिक्योर करना चाहते हैं। तो देखो, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के अंडर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है जिसका नाम है आईपीबीईएस। इंडिया भी इसका मेंबर है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ये नाम याद रखना, इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ भी मिलेगी। देखो, इसको रिसेंटली फाउंड किया गया था, ज़रा पुराना नहीं है ये। इसको बनाया गया था 21 अप्रैल 2012 को यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंडर। इसके हेडक्वार्टर्स भी मिलेंगे आपको, पूरा ऑफिस है, रिसर्च होती है, ये इनके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे बॉन जर्मनी में। आई एम श्योर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आपने दसियों बार करंट अफेयर्स पढ़ते वक्त आईपीसीसी का नाम सुना होगा। आईपीसीसी क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इनकी रिपोर्ट्स आती है क्लाइमेट चेंज किस तरीके से डैमेज करेगा धरती को, इंसानों को डैमेज करेगा, और काफ़ी बार जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है वहाँ पर उस डेटा को डिस्कस किया जाता है, और किस तरीके से आने वाले टाइम में नए प्रोटोकॉल बनेंगे, नए एग्रीमेंट बनेंगे क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, ये आईपीसीसी की जो रिपोर्ट है यही तय करती है। तो जो आईपीसीसी है ये क्लाइमेट चेंज से लड़ता है, और जो आईपीबीईएस है ये बात करता है बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम की, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, याद रख लेना। आईपीसीसी के भी हेडक्वार्टर्स हैं मगर ये आपको जर्मनी में नहीं मिलेंगे, आईपीसीसी के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे जनेवा स्विट्ज़रलैंड में। तो ये डिफरेंस है, याद रख लेना। दोनों के दोनों यूएन के अंडर आते हैं, एक क्लाइमेट चेंज की बात करता है, एक बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट की बात करता है। तो अगर हम आईपीबीईएस की बात करें जिसकी रिपोर्ट आई है रिसेंटली, तो यहाँ पर 130 गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व है और इंडिया इस ग्रुप के फाउंडिंग मेंबर में से एक है। नाउ जो ये रिपोर्ट है आईपीबीएस की, ये किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है? जैसे मैंने आपको बताया, जो आईपीसीसी की रिपोर्ट होती है वो जो हमारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, वहाँ पर उनका डिस्कशन होता है। सिमिलरली आईपीबीएस की रिपोर्ट का भी वेरियस कॉन्फ्रेंसेस में यूज़ होता है, और जो ऑलरेडी कन्वेंशंस चल रही है वहाँ पर किस तरीके से काम होगा, क्या उनको अप्रोच अपनानी चाहिए, वो इसी रिपोर्ट से तय होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने नाम सुना होगा रामसर कन्वेंशन के बारे में, इंडिया इसका पार्ट है। रामसर कन्वेंशन किस चीज़ से रिलेटेड है? वेटलैंड से रिलेटेड है। सिमिलरली कुछ और यहाँ पर कन्वेंशंस या फिर प्रोटोकॉल हैं, एक है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज़। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो स्पीसीज एंडेंजर्ड है, मतलब कि उनकी संख्या कम है, हो सकता है कि आने वाले समय में विलुप्त भी हो जाए, तो उनसे अगर कोई प्रोडक्ट्स बनते हैं, कोई अगर मान लो कोई पेड़ है उसकी स्पीसीज अब बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पे है, तो उस पेड़ से बने हुए प्रोडक्ट्स का जो ट्रेड होता है वो कम करने का काम करता है ये कन्वेंशन। उसके अलावा ऑफकोर्स कार्टेजिना प्रोटोकॉल है, ये प्राइमरली फोकस करता है बायोसेफ्टी पर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कन्वेंशंस और प्रोटोकॉल हैं, इनको करना क्या है, यहाँ पे सारी कंट्रीज जो इन्वॉल्व है, ये हर कुछ सालों में जब इकट्ठा होती हैं, इनके मिनिस्टर्स मिलते हैं, इनका एजेंडा क्या होना चाहिए, ये आईपीबीईएस की रिपोर्ट तय करेगी। तो अभी के लिए अगर हम बात करें तो दो बहुत ही बड़े यूएन के कन्वेंशंस हैं जो डायरेक्टली गाइड किए जाएंगे इस रिपोर्ट के ज़रिए। एक तो है
कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दैट एड्रेसेस बायोडाइवर्सिटी इश्यूज, दुनिया भर में जो बायोडाइवर्सिटी के इश्यूज हैं वो यहाँ पे एड्रेस किए जाते हैं। फिर दूसरा है कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, जो दुनिया भर में लैंड मैनेजमेंट किस तरीके से हो रही है, डेजर्टिफिकेशन किस तरीके से बढ़ रही है, उस पर फोकस करता है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं तो आप आंसर कर लेंगे। मैंने आपको बताया कि रामसर कन्वेंशन का रिलेशन है वेटलैंड से, आपको यहाँ पर यह बताना है कि जो ये रामसर है, ऐसे लग रहा है कि किसी जगह का नाम है, कोई सिटी का नाम है, ये रामसर आपको दुनिया के किस देश में मिलेगा? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, USA, ईरान, नाइजीरिया या जिम्बाब्वे। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिएगा। तो देखिए, जो ये IPBES की रिपोर्ट है ये बहुत ज़रा ख़ास है, क्योंकि सिंस ये 2012 में वजूद में आया था तो तब से लेकर अब तक इसने कोई रिपोर्ट नहीं बनाई थी, ये इसकी पहली रिपोर्ट है। आप अगर IPCC की देखें तो उसको सेटअप किया गया था 1988 में, इसने अब तक 5 रिपोर्ट्स पब्लिश करी है, रीसेंट 5th रिपोर्ट इसकी आई थी। अब ये IPBES की पहली रिपोर्ट है और काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है, ऑलमोस्ट किताब जैसी होती है, हमको पूरी रिपोर्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो वहाँ पर की फाइंडिंग्स है अगर हम वो पढ़ लें एग्ज़ाम परस्पेक्टिव के लिए वो काफ़ी है। सो व्हाट आर द की फाइंडिंग्स, देखो पहली बात तो यहाँ पर ये लिखी है, द हेल्थ ऑफ इको सिस्टम्स दैट ह्यूमंस एंड अदर स्पीसीज डिपेंड ऑन इज डिटेरियोरेटिंग मोर रैपिडली देन एवर। जो इको सिस्टम है जहाँ पर हर स्पीसीज, हर एनिमल, हर प्लांट, हर बर्ड का क्रिटिकल रोल है, वो बहुत ही बैडली डैमेज हो रहा है और डिटेरियोरेट कर रहा है। एक इन्होंने बात ये बताई है कि दुनिया भर में जो इंसेक्ट की स्पीसीज़ होती है, कीड़ों की भी वेरियस स्पीसीज़ होती है, उनमें से 10% स्पीसीज़ विलुप्त होने की कगार पे है, जिस तरीके से ह्यूमंस एक्सपैंड कर रहे हैं और अर्बनाइजेशन हर जगह हो रही है। तो अगर 10% इंसेक्ट्स के स्पीसीज़ की आबादी कम हो जाएगी तो इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे इकोसिस्टम पे। उसके अलावा एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट इस रिपोर्ट ने यह बताया था कि एज़ मैनी एज़ 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख स्पीसीज़ दुनिया भर में प्लांट्स और एनिमल्स की विलुप्त होने की कगार पे है। अगर हमने कुछ रेडिकल चेंजेस नहीं किए तो हम 10 लाख स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स खो देंगे और इसका एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होगा अगेन किस पर, इकोसिस्टम पे। अच्छा, जो ये 10 लाख स्पीसीज हैं ये कितने में से कम होगी, टोटल कितनी स्पीसीज को उन्होंने यहाँ पे काउंट किया है, तो टोटल इन्होंने यहाँ पे बात करी थी 80 लाख स्पीसीज की, तो 80 लाख में से 10 लाख स्पीसीज विलुप्त होने की बिल्कुल कगार पे है। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो स्पीसीज एक्सटेंट होने वाली है उसमें से 40% एम्फीबियन स्पीसीज होगी, जो वाटर और लैंड दोनों में सर्वाइव कर सकती है, और बाकी 33% मैरिन मैमल्स भी यहाँ पर थ्रेटेंड है। उसके अलावा देखिए, यहाँ पे 5 मेन ड्राइवर्स बताए गए हैं कि क्यों यहाँ पर इकोसिस्टम को डैमेज हो रहा है, स्पीसीज़ कम हो रही है। पहला रीज़न तो है चेंज इन लैंड यूज़ एंड सी यूज़, ह्यूमंस हैव ऑल्टर्ड 75% लैंड, दुनिया का जो 75% लैंड है इंसानों ने उसको अपने हिसाब से ढाल दिया है, और 66% जो मरीन एनवायरनमेंट है, पानी जिसकी हम बात करते हैं, ओशंस हैं, वहाँ पर भी हमने काफ़ी पोल्यूशन फैला दिया है, तो उसकी वजह से रैपिडली बहुत सारी स्पीसीज़ कैचअप नहीं कर पा रही, उनका नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो उसकी वजह से लाखों जो यहाँ पे स्पीसीज़ हैं वो विलुप्त होने की कगार पे है। उसके अलावा जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनकी मास स्केल पर एक्सप्लोटेशन चल रही है। इन 2015 अ थर्ड ऑफ मैरीन स्टॉक्स वर बीइंग फिश्ड एट अनसस्टेनेबल लेवल्स। तो इस रिपोर्ट में ये पाया गया कि 2015 के डेटा को अगर हम देखें तो एक तिहाई जो हमारे यहाँ पर फिश है, वेल्स है, ओशन रिवर्स में जो भी हमारे पास मैरीन लाइफ है उनको अनसस्टेनेबल लेवल पर फिश किया जा रहा है, मतलब कि उनकी आबादी टिक नहीं पाएगी आने वाले टाइम में अगर उनको हम इसी स्पीड से फिश करते रहें। फिर ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज को भी यहाँ पे गिना गया है, जिस तरीके से हमने कार्बन एमिशंस फैला दिए हैं उसकी वजह से जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, वो भी बहुत सारी स्पीसीज़ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, और इसमें एक चौथाई जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रही है। फिर ऑल टुगेदर एक कैटेगरी बनाई है पॉल्यूशन की,
अगर हम मरीन की बात करें तो मरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन हैज़ इंक्रीज टेन फोल्ड 1980 से अगर हम देखें तो 10 गुना मरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन फैल चुका है। रिसेंटली आपने देखा होगा बहुत सी इमेजेस सामने आई थी जहां पर फिश के अंदर से बहुत सारे प्लास्टिक के बैग निकले थे, तो ऐसे सीन्स अब काफ़ी हद तक कॉमन हो गए हैं। और ह्यूमन बीइंग्स ऑन एन एवरेज हर साल अगर हम देखें तो 300 से लेकर 400 मिलियन टन वेस्ट डंप करते हैं इन वर्ल्ड्स वाटर्स, मतलब दुनिया भर के जो ओशंस हैं वहाँ पर हम ये कर रहे हैं। उसके अलावा ह्यूमन बींग्स ने कुछ और जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, ह्यूमन बींग्स की जो माइग्रेशन होती है उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि जो स्पीसीज एक सर्टन एनवायरनमेंट में बिलोंग नहीं करती वहाँ पे उसको लाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स कभी कभी ब्यूटिफिकेशन के लिए एक खास टाइप का पौधा नॉर्थ अमेरिका या फिर साउथ अमेरिका से इंडिया में ले आएंगे, जो यहाँ पर जो नेटिव स्पीसीज होती है उसको पीछे धकेल देता है और उनको एक्सटिंक्शन की कगार पे ले आता है। तो जो ये इन्वेसिव एलियन स्पीसीज़ हैं इनकी वजह से भी बहुत सारी जो नेटिव स्पीसीज़ हैं उनकी आज के टाइम में एक्सटिंक्शन की बात की जा रही है। तो ये जो मेन हाइलाइट्स हमने डिस्कस करी है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी है। बाकी जो रिपोर्ट है अगेन मैंने आपको बताया था पूरी किताब है, तो उसमें इन डिटेल्स बहुत सी बातें लिखी हैं जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। ये जान लो कि अब इस रिपोर्ट को डायरेक्टली यूज़ किया जाएगा एट द 15th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये क्लाइमेट चेंज वाली नहीं है COP, ये है कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी जो चाइना में होगी अक्टूबर 2020 में। तो वहाँ पर इस रिपोर्ट पर चर्चा होगी और इस रिपोर्ट को आधार बनाकर बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को किस तरीके से बचाना है इस पर डिबेट होगा। सो ये था एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का, एग्जाम पर्सपेक्टिव से सारी बातें हमने यहाँ पे कवर कर ली है। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।